चुनाव की वोटिंग पर रही है। यहाँ पे अखिलेश जयंत और प्रियंका एक मंच पर आकर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बताते चले कि मथुरा लखनऊ समेत 37 जिलों में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान एक तरफ जारी है। पहले चरण में नामांकन से लेकर प्रचार अभियान तक सबसे अधिक चर्चा में मथुरा नगर निगम रहा है। यहाँ पर कांग्रेस सपा और RLD में बड़ा उलटफेर हुआ। इतना ही नहीं, अंत में ऐसा राजनीतिक समीकरण बना कि पहली बार RLD सपा और कांग्रेस एक साथ आ गई। चुनाव की वोटिंग से पहले खेल हुआ बहन जी के साथ और भाजपा के साथ। दरअसल राजनीतिक उलटफेर में मथुरा नगर निगम के निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार रावत को कांग्रेस सपा और RLD ने समर्थन दे दिया। रावत चुनाव की घोषणा से पहले मायावती जी की पार्टी के जो कि कैंडिडेट थे। दिलचस्प बात यह है कि सपा और कांग्रेस के सिंबल पर यहां पहले से प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। हालांकि अखिलेश, प्रियंका और जयंत का समर्थन मिलने के बाद रावत जो है कि मुख्य विपक्षी उम्मीदवार हो गए। रावत यहां से सीधा मुकाबला बीजेपी से टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी से विनोद अग्रवाल से टक्कर ले रहे हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल के रिश्तेदार हैं विनोद अग्रवाल। राजकुमार रावत की पहचान मथुरा में एक कद्दावर स्थानीय नेता की है। रावत की राजनीति में एंट्री ब्लॉक प्रमुख के तौर पर हुई थी। साल 1995 में राया ब्लॉक के प्रमुख का चुनाव जीतकर सक्रिय पॉलिटिक्स में आए थे। अप्रैल में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर रावत कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन पार्टी की आंतरिक गुटबाजी की वजह से कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ पाए। दरअसल कांग्रेस ने श्याम सुंदर बिट्टू और रावत दोनों को सिंबल दे दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बिट्टू को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद खुद प्रियंका गांधी ने रावत के समर्थन में पत्र जारी किया। और इतना ही नहीं, बिट्टू को कांग्रेस ने 6 साल के लिए निलंबित भी कर दिया। कांग्रेस ने मथुरा जीतने की जिम्मेदारी दीपेंद्र हुड्डा और तौकीर आलम को सौंपी है। मथुरा सीट RLD का गढ़ माना जाता है। 2009 में जयंत चौधरी इस सीट से लोकसभा पहुंचे थे। 2022 के चुनाव में RLD ने जिले की 5 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार भी नगर निगम में मथुरा सीट पर RLD का मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। हालांकि चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद अखिलेश यादव यहां से अपने उम्मीदवार उतार दिए। इसका तुरंत RLD ने प्रतिक्रिया दी और सपा के कई सीटों पर अपने लोगों को सिंबल देना शुरू किया। विवाद बढ़ने के बाद दोनों के बीच सुलह की कोशिश हुई और कुछ सीटों से उम्मीदवार हटाया गया। इसी कड़ी में मथुरा पर भी सपा ने फैसला किया कि निर्दलीय राजकुमार रावत को समर्थन देने का ऐलान किया। सपा के कुछ देर बाद ही RLD ने भी रावत को अपना समर्थन दे दिया। बता दें कि ब्रज क्षेत्र मथुरा ब्राह्मण जाट मुसलमान और वैश्य बहुल क्षेत्र है। निकाय क्षेत्र में 1.25 लाख ब्राह्मण, करीब 1 लाख वैश्य और उतने ही जाट वोटर्स हैं। कई इलाकों में मुसलमान वोटर्स भी बहुत बड़े प्रभावी हैं। तो गोदी मीडिया लगातार दिखा रही थी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की दूरियां बढ़ रही हैं, लेकिन ये बहुत लेटेस्ट खबर है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और साथ में प्रियंका गांधी एक मंच पर सोशल मीडिया की तरह एक मंच पर दिखाई दी और कोई अंतर मतभेद नहीं है। तीनों पार्टियां 2024 में कांग्रेस, सपा, RLD और ASP मिलकर चुनाव लड़ने की पूरी तरह से तैयारी कर रही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।